क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ कॉचेस थ्योरम। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इंटीग्रेशन है इसमें, z के इक्वेशन में सब z है, ओके, एंड डिवाइड में कुछ फैक्टर रहेगा, कुछ भी रहेगा, डिवाइड में z का इक्वेशन रहेगा, तो है ना डिवाइड में। हाँ, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? एक्चुअली फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब z प्लस 1, z प्लस 2, z माइनस 1, z माइनस 2, एक्सेट्रा। तो वैसा है क्या ऑलरेडी? देखो नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको ये जो दिख रहा है आपको z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5, इसका जरा फैक्टर डायरेक्ट बताओ मुझे, कैसे करोगे फैक्टर सब लोग? मैं वापस लिखता हूँ, चलो ये जो यहाँ पे ये है z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट ही कर देते हैं और फैक्टर भी निकालेंगे और दोनों भी एट अ टाइम करेंगे। कोई बता सकता है 5 जो है, 5 इसका ऐसा दो नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई किया तो 5 होगा, एडिशन 2 होगा, ऐसा कोई नंबर है क्या? ऐसा कोई नंबर नहीं है। सो आप लोग क्या करोगे ऐसे टाइम पे, आपको क्या करना है, सीधा सीधा क्या करो, मैं प्रोसीजर चालू करता हूँ। स्टेप वन इज टेक अ डिनोमिनेटर। क्या करना आपको? टेक डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट 0 ले लो, इससे आपको फैक्टर भी मिलेगा और पॉइंट भी मिलेगा। कैसे? आप लोग ने ये जो है z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आप कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इक्वेशन में जाके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेलेक्ट करना है, उसमें आपके पास 1, 2, 5 ये पुट अप करके आपको आंसर निकालना है, उससे आपको डायरेक्टली z का वैल्यूज मिलेगा। वैल्यू कुछ समथिंग ऐसा मिलेगा, z इज इक्वल टू -1 -2i और z इज इक्वल टू -1 +2i, ओके, ये डायरेक्टली कैलकुलेटर में मिल जाएगा आपको, कैलकुलेटर यूज करो। दूसरा एक मेथड है, दैट इज z इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac/2a। इसमें b का वैल्यू, a का वैल्यू 1 है, इसका 1 वैल्यू, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट अप करके चेक करो, आपको ये दो आंसर्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतना करने से अच्छा आप डायरेक्ट, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो देन आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास दो फैक्टर्स आ गया, तो एग्जैक्टली हियर इसका पॉइंट, ये जो फर्स्ट पॉइंट मिला है इसमें एक्स टर्म क्या है, मुझे बताओ जेड क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई होता है, क्या होता है? जेड इज एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू -1 -2i। Here also x plus iy minus 1 plus 2y. अभी compare करो, इसमें x का value क्या होगा? Real term is x. Here real term is minus 1 and imaginary term y. Here my imaginary term minus 2. I मत लो उसमें. I सिर्फ indicate करता है कि वो imaginary करके. क्या करना आपको? Minus 2 लेना. अभी यहाँ पे आप लोग बताओ, real term क्या है यहाँ पे? X है, तो यहाँ पे क्या है? Minus 1. एंड इमेजिनरी टर्म यहाँ पे क्या है? प्लस 2. आई का वैल्यू नहीं लेना आपको. सो यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट कॉल करता हूं मैं इसको, पॉइंट मिल गया -1, -2. हियर पॉइंट बी कॉल करता हूं मैं इसको -1, 2. एंड देन इसका फैक्टर भी बना लेता हूं मैं, ये जो है पूरा लेफ्ट साइड आ गया पूरा टर्म, तो क्या होगा? जेड प्लस 1 प्लस 2i इज इक्वल टू 0. और else इसको अगर आप properly करें z plus 1, तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, z plus ये पूरा plus हो जाएगा टर्म, then ये factor left side आएगा, तो z -1 + 2i is equal to 0. यहाँ पे भी थोड़ा सा adjust करता हूँ, एक step extra करता हूँ मैं, z minus bracket ये पूरा left side आएगा, तो bracket में लिखो -1 - 2i is equal to 0. ये माइनस कॉमन लिया आपने, तो z प्लस 1 + 2i इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर है। ये फैक्टर क्यों लिखा? अब क्योंकि इसको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा ना बाद में, तो इसलिए फैक्टर पे फाइंड कर लिया मैंने। और ये क्या होगा, इसको फैक्टर को आप माइनस अंदर लगे जाओ, तो यहाँ पे प्लस लिखो और चाहिए तो ऐसे ही रखो, z -1 + 2i इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड फैक्टर हो गया। आपको चाहिए तो ये ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो आप लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट ए का फैक्टर है और ये पॉइंट बी का फैक्टर है, लेकिन इसके आगे मुझे क्या करना है, ये मैंने क्यों लिखा है,
इसका रीजन ये है कि मुझे इसको स्प्लिट करना है और डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने उसको कैलकुलेटर से करवा लिया। स्टेप वन क्या था आपका, क्या आपको पॉइंट फाइंड करना था, तो दो पॉइंट मिल गया यहाँ पे, तो ये दोनों पॉइंट इनसाइड या आउटसाइड चेक करना आपको, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू लेंगे। स्टेप टू उसमें कंडीशन क्या दिया, जरा चेक करो कंडीशन। कंडीशन इज गिवन मॉड ऑफ जेड प्लस वन माइनस आई इज इक्वल टू टू, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इससे इक्वेशन बनाना है मुझे। इक्वेशन कैसे बनाओगे आप लोग, z के जगह पे पुट करोगे x प्लस आई वाई, क्या पुट करोगे z के जगह पे x प्लस आई वाई, क्योंकि z का वैल्यू है वो फॉर्मूला है वो, प्लस आगे क्या है 1 माइनस आई इज इक्वल टू 2। अभी मॉड सॉल्व करते तो कैसे करते हम लोग, मॉड उसको रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड स्क्वायर। अभी रियल टर्म कौन सा है इसमें, तो मॉड में ये x रियल है और ये 1 भी रियल है प्लस 1, तो मैं इसको x साथ लेता हूं रियल है इसलिए, देन ये दोनों में i का इमेजिनरी वैल्यू है ना, टर्म है इंडिकेट कर रहा है इमेजिनरी, तो i कॉमन लो तो क्या बचेगा y माइनस 1। तो रियल टर्म x प्लस 1 है, इमेजिनरी टर्म y माइनस 1 है, सो इसका क्या होगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन। ये कंडीशन से आपको इक्वेशन बनाने के लिए आना चाहिए। ये क्यों बनाते हैं हम लोग इक्वेशन, क्योंकि जो पॉइंट्स मिला आपको वो पॉइंट चेक करना होता है इनसाइड या आउटसाइड है, और वो पॉइंट्स हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो अगर वैल्यू लेस देन आ गया तो इनसाइड है, ग्रेटर आ गया तो आउटसाइड है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट वन लेते हैं, पॉइंट ए, क्या पॉइंट ए यहाँ पे माइनस वन कॉमा माइनस टू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो ये पुट किया इसमें तो एक्स का वैल्यू माइनस वन, वाई का वैल्यू माइनस टू, तो यहाँ पे होगा माइनस वन प्लस वन स्क्वायर माइनस टू माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर। एक्स के जगह पे माइनस वन, वाई के जगह पे माइनस टू, तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो गए, माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर होता है नाइन और टू का स्क्वायर होता है फोर, तो ये ग्रेटर हो गया। ग्रेटर है तो आउटसाइड पॉइंट, तो पॉइंट ए इज आउटसाइड, सो इसका फैक्टर निकाल दो, इसका फैक्टर का जरूरत नहीं है, ये आउटसाइड है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन पॉइंट बी चेक करते हम लोग, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी मुझे होता है यहाँ पे माइनस वन कॉमा टू, ये पुट करो इसी में पुट करो, एक्स का वैल्यू माइनस वन तो चलो क्या होगा माइनस वन प्लस वन होल स्क्वायर, वाई का वैल्यू प्लस टू, टू माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर, एक्स के जगह माइनस वन वाई के जगह पे टू, माइनस वन प्लस वन जीरो, टू माइनस वन वन, वन का स्क्वायर वन एंड टू का स्क्वायर फोर, तो ये लेस है। ग्रेटर है तो आउटसाइड, लेस है तो इनसाइड, तो कौन सा पॉइंट इनसाइड है, पॉइंट बी इज इनसाइड, हो गया इनसाइड। एक बार इनसाइड हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, जो इनसाइड पॉइंट है उसको नीचे ही रखते हैं, उसका फैक्टर नीचे रखते हैं, आउटसाइड वाला फैक्टर ऊपर लेते हैं, तो पहले लिखना पड़ेगा ना मुझे। सो स्टेप फाइव, स्टेप थ्री इज I is equal to, क्या इक्वेशन था, z plus 3 upon, इसका फैक्टर्स क्या, ये जो है ना इसको फैक्टर्स में लिखते हैं, दो फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख के निकाला, देखो दैट इज ब्रैकेट z प्लस क्या है 1 प्लस 2y, ये फर्स्ट ब्रैकेट है और फर्स्ट फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर क्या है z माइनस माइनस 1 प्लस 2y, हो गया आपका सेकेंड फैक्टर डी जेड। इसमें इनसाइड कौन सा, आउटसाइड कौन सा, मुझे बताओ आपका पॉइंट ए आउटसाइड था, पॉइंट ए यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, तो ये फैक्टर आउटसाइड है और ये फैक्टर इनसाइड है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करके रखता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट फैक्टर जो है आउटसाइड है एंड सेकेंड फैक्टर है वो इनसाइड है, ठीक है। तो उसको अरेंज करो, आउटसाइड को ऊपर लेके जाओ, इनसाइड को नीचे रखो। फॉर एग्जाम्पल I is equal to integration of inside वाला कौन सा पॉइंट है, ये तो सबसे नीचे ये रहेगा z minus bracket minus 1 plus 2y, okay? And here z plus 3 upon ये जो outside है उसको ऊपर लेके जाओ, तो z plus 1 plus 2i
इट्स डी जेड, ओके। एंड ये हो गया आपका इक्वेशन। इसको आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ऊपर वाला जो टर्म होता है वो एफ ऑफ जेड होता है, मतलब ये पूरा टर्म ये एफ ऑफ जेड है, ठीक है। ये जो नीचे वाला टर्म दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला फैक्टर वो इनसाइड वाला फैक्टर है, ये जेड माइनस जेड जीरो है, तो ये जो है ये जेड जीरो है, और इसका पावर एन का वैल्यू कितना है, वन है। तो वो सब लिख के रखता हूं मैं, आपको समझ में आ रहा है। आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐड कर लो। आपको क्या करना है, जो आउटसाइड उसको ऊपर लेके जाओ, इनसाइड उसको नीचे रखो, वो फैक्टर को नीचे रखो, वो आपका बेसिक फैक्टर है, और ऊपर का पूरा टोटल टर्म न्यूमरेटर में जो है वो एफ ऑफ जेड होता है। तो स्टेप फोर, एफ ऑफ जेड क्या होगा, एफ ऑफ जेड यहां पे ये पूरा ऊपर का टर्म जेड प्लस थ्री अपॉन ब्रैकेट जेड प्लस वन प्लस टू आई, ये हो गया एफ ऑफ जेड। देन इसमें एन का वैल्यू पावर, ये जो नीचे दिख रहा है इसका पावर कितना है, यहां पे पावर ही नहीं है, पावर वन है। एंड जेड जीरो जो है तो जेड माइनस, ये जो होता है जेड जीरो, और इसमें जो जेड का वैल्यू मिला ना आपको, ये आपका जेड जीरो है, तो वो क्या है, सॉरी कौन सा पॉइंट इनसाइड है, ये इनसाइड है ना, पॉइंट बी इनसाइड है, तो इनसाइड वाला पॉइंट जो है इसका जो फैक्टर है जेड का, वही आपका जेड जीरो है, माइनस वन प्लस टू आई, समझ में आ रहा है आपको। और एल सी भी वही होता है, लेकिन बीच में माइनस रहेगा तो प्लस लिखना है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस लिखना है। तो ये इनसाइड वाला पॉइंट यहां से मिला था, तो यही लिखा मैंने, हो गया जेड जीरो। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आपको डेरिवेटिव यहां पे क्या करना है, एफ रेज़ टू एन माइनस वन, क्या करना है, एफ रेज़ टू एन माइनस वन मतलब आपको डेरिवेटिव करना है। कितने टाइम्स डेरिवेटिव करोगे आप लोग, डिफरेंशिएट एफ ऑफ जेड एन माइनस वन टाइम्स, मतलब एन कितना है वन, तो जीरो टाइम्स हो गया, कितना हो गया जीरो टाइम्स, क्योंकि एन के वैल्यू अगर वन में है तो वन माइनस वन जीरो टाइम्स, अगर एन के वैल्यू टू है तो टू माइनस वन वन टाइम डेरिवेटिव करना है। तो एन के ऊपर डिपेंड है पावर, जो इसका पावर होता है, इसका पावर कुछ भी नहीं है वन है, तो वन माइनस वन जीरो टाइम्स डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव एक्चुअली नहीं करना है। सो नो डेरिवेटिव, नो डेरिवेटिव, तो क्या होगा, एफ ऑफ जेड एज इट इज होगा। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, पुट जेड जीरो, कितना जेड जीरो का वैल्यू, माइनस वन प्लस टू आई इन एफ ऑफ जेड, क्या करना आपको, एफ ऑफ जेड में वैल्यू पुट करना, जेड जीरो का वैल्यू माइनस वन प्लस टू आई, ये वैल्यू इसमें पुट करना है जेड के जगह पे। तो जेड क्या है मुझे बताओ, माइनस वन प्लस टू आई, इसके जगह पे हो गया प्लस थ्री, नीचे भी क्या होगा माइनस वन प्लस टू आई प्लस वन प्लस टू आई, हो गया, ये हो गया आपका आंसर। देन एफ ऑफ जेड जीरो का इक्वेशन क्या होगा, थ्री माइनस वन टू हो गया प्लस टू आई, यहां पे क्या होगा माइनस और प्लस वन गेट कैंसल, टू आई प्लस टू आई इट्स फोर आर, ओके। और दोनों में कुछ कॉमन आएगा, मैं यहाँ पे कॉमन निकाल दूं, तो टू कॉमन निकाला तो वन प्लस आई अपॉन फोर आई, ओके। और इसमें कैंसिलेशन किया तो क्या होगा, एफ ऑफ जेड जीरो इज इक्वल टू वन प्लस आई अपॉन टू आई, बराबर है, टू वन जा टू, टू जा फोर, ये हो गया एफ ऑफ जेड। एंड नेक्स्ट, ये एफ ऑफ जेड मिल गया, तो देन लास्ट स्टेप इज स्टेप फाइव, कॉचिस थ्योरम, क्या कोची सेरम, I is equal to क्या फॉर्मूला मुझे आता है यहाँ पे, 2 pi I upon n minus 1 factorial f raised to n minus 1 z 0, बराबर है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ आंसर, 2 pi I, n का वैल्यू कितना है 0, और सर n का वैल्यू 1 है, 1 minus 1 0 factorial, into इसका आंसर कितना मिला आपको, 1 plus I upon 2 I, राइट है, ये आंसर निकाला आपने, तो 2i 2i गेट कैंसिल, और 1 जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 2 कैंसिल 2 कैंसिल i कैंसिल i कैंसिल, सो पाई बच गया एंड इनटू 1 प्लस i, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो लिख लो ये आंसर, ओके। तो लेंदे था, लेकिन आपको स्टेप समझ में आना चाहिए। मैं एक बार शॉर्टली रिवाइज करता हूं, करना क्या, देखो पहले पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 लो, नहीं हो रहा है कैलकुलेटर मैन्युअली तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, जेड का वैल्यूज मिलेगा, तो
उससे आपको x एंड y एक दो पॉइंट मिलेगा आपको, दो पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, जितने फैक्टर्स उसके ऊपर डिपेंड है, तो 2 पॉइंट्स मिल गया, 2 पॉइंट्स मिल गया, तो आपको क्या करना है, पॉइंट चेक करना है कंडीशंस में, तो कंडीशन में पहले क्या करना है, z के जगह पे x plus i by पुट करना है, रियल टर्म सेपरेट, इमेजिनरी टर्म सेपरेट, तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट स्क्वायर, देन वो पॉइंट्स आपको इसमें पुट करना है, पहले a पॉइंट पुट किया, वैल्यू ग्रेटर आ गया तो आउटसाइड, लेस आ गया तो इनसाइड, जो इनसाइड है उसका फैक्टर नीचे रखो, आउटसाइड का फैक्टर ऊपर ले लो, डिवाइड में है लेकिन ऊपर, और जो ऊपर का टर्म होता है वो f of z, नीचे का टर्म होता है वो z minus z0 फैक्टर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो ऊपर का पावर कंपेयर करो, f of z निकालो, उसके हिसाब से आपको क्या रिक्वायर्ड है, डेरिवेटिव, तो n अगर 1 है तो 0 टाइम डेरिवेटिव, n 2 है तो 1 टाइम डेरिवेटिव, n 3 है तो 2 टाइम डेरिवेटिव, n 4 है तो 3 टाइम डेरिवेटिव, तो यहां पे n 1 था तो दो डेरिवेटिव किया मैंने, उसमें z0 मतलब ये जो फैक्टर मिला ना आपको इनसाइड वाला, वो फैक्टर पुट करना है आपको, पुट करने के बाद जो आंसर आएगा यहां पे फार्मूला में लिख दो, खत्म, क्लियर है, थोड़ा प्रैक्टिस करो इसका, लिखो।